रख दूँ। तो यहाँ पे मम्मी जा रही हैं शादी में, चार्जर मम्मी तो शादी है तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। और मम्मी तैयार हो चुकी हैं क्योंकि उनकी ट्रेन है तो उनको जाना ज़रूरी है, और बाकी लोग बाद में जाएंगे जिसको जिसको जाना होगा। बाबू बैठा जल्दी है। जो जो बारे माई वाह हेलो नमस्ते प्रणाम। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरी प्रार्थना और दुआ हमेशा यही है कि आप सब अच्छे रहें। और हो रही है आज के नए ब्लॉग की शुरुआत, और मेरा खाना बन रहा है। मेरी दाल दाल बन रही है और बनने वाली है दाल। तो मैंने आपको कम से कम 15-20 दिन पहले या एक महीना पहले दिखाया था कि मैंने अरबी निकाली थी, तो वही अरबी मैंने यहीं पर छोड़ रखा था बाहर ही गार्डन में सूखने के लिए। तो ये सूख गई है, इसमें का पानी जो है सूख गया। अब इसको उठा के आज इसका वक्त आ गया बनाने का, तो इसको बनाएंगे अरबी को। ये रही तो इसको साफ़ कर लेंगे, लेके जाएंगे अंदर। ये इतना ही निकला है अरबी, और इसको साफ कर लिया मैंने। ये इसका कचड़ा, और एक यहाँ पे है शायद, हाँ इसको भी साफ कर लेंगे। इसको धुल के जो है इसकी सब्जी बनाएंगे, वो धुल को इसको बॉयल करके नींबू वाली सब्जी बनाएंगे, मैं आपको दिखा दूँगी। और तो अरबी को मैं लेके आ गई थी अंदर, इसको बॉयल कर लिया था। तो सिंपली एक दो तीन सीटी में पड़ जाता है, ज़्यादा बॉयल करेंगे तो ये गल गया था। तो मैं बाहर थी तो सीटी पर ध्यान नहीं दिया, तो 3-4 सीटी लगी थी इसीलिए गल गया है। तो इसमें मिर्चा डाल दिया है मैंने, और डाल दिया है इसमें मेथी, आप लहसुन भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये दो चीज़ का तड़का लगाया है, और हल्दी इसके साथ तेल में डाल देंगे तो मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर से डालने में थोड़ा मिलता नहीं है, इसीलिए मैंने हल्दी गर्म गर्म इसमें करके डाल दिया है। और इसके बाद इसमें क्या कहते हैं, इसको अरबी को डाल दिया है, बॉयल अरबी है, इसको मैंने छील के काट लिया था। आप ज़्यादा बॉयल मत कीजिए, 2-3 सीटी लगाइए, पक जाएगा। मतलब जिस हिसाब से अरबी होती है उसी हिसाब से पक जाती है, तो ये ताज़ा था तो इसीलिए मतलब जल्दी पक गया। और बहुत दिन का रहता है तो थोड़ा टाइम लेता है पकने में, तो इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। फिर इसमें थोड़ी देर बाद इसको पकते रहने देंगे, फिर पकने देने के बाद फिर इसमें डाल देंगे नमक, और नमक के साथ साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू डाल देंगे बस, और कुछ नहीं पड़ता है इसमें, नमक और नींबू पड़ता है।
और बाकी इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में, और खट्टा खट्टा थोड़ा सा नींबू डालना पड़ता है, नींबू से ही सब्ज़ी का इसका स्वाद बदल जाता है। अगर आप दाल चावल के साथ खा रहे हैं तो और मज़ा आ जाएगा खाने में। इसके साथ रोटी आप खा सकते हैं, बहुत रोटी पराठा खा सकते हैं। तो मेरे यहाँ तो यही सब्ज़ी बनती है, जैसे कभी भी अरबी बच गई आ गई मार्केट से तो ये सब्जी। यह मेरा आज का खाना, खाने में है चावल और ये दाल, सिंपल दाल मैंने बनाई, तड़का नहीं लगाया इसमें। और ये रही अरबी की सब्ज़ी जो मैंने दिखाया था, खेत से निकाला था वही है, इसको खा लेंगे। और आप सोच रहे हो कि मैं रोटी क्यों नहीं खा रही, क्योंकि रोटी मैंने 3 खाई थी सुबह, इसलिए मैं रोटी नहीं खाऊँगी, दाल चावल और सब्ज़ी खाऊँगी। और मुझे लग रहा है चावल भी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने 3 रोटी खा लिया था और भी बहुत सारी चीज़ें खाई थी, चाय वगैरह पी लिया था। चाय पता नहीं क्यों लत नहीं छूट रही है मेरी, अभी तक मैंने छोड़ दी थी, फिर से मुझे पता नहीं लत आदत हो गई है, तो चाय मुझे छोड़ना पड़ेगा। और हेल्दी प्रोटीन मैंने नहीं लिया था, कल मैंने सब्ज़ी खाई थी तो कल दाल की कमी रह गई थी, तो इसलिए मैं दाल आज खाऊंगी। और जो भी खाना है, हेल्दी खाना है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, कितना भी करो, इसको खा लें तो फिर बताएं उसके बाद। आज के ब्लॉग में बस इतना सा, और कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का दिन मेरा अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा, और सारे काम हो गए हैं, और धूप भी लग रही है अच्छी सी। और ये कपड़े अगर धुल जाते हैं ना, साफ़ हो जाते हैं सारे ना, तो सुकून मिल जाता है कि हाँ चलो कपड़े सारे धुल गए हैं। और ये मेरे मोजे वगैरह सारे धुल गए हैं। और ये देखिए मेरा पैर, देखिए, तो ये मैं पानी पी रही थी तो पानी मोजे पे गिर गया था, तो इसलिए इसको सुखा रखा है। कपड़े सारे सूख गए हैं, और पानी अपने पास रखी रहती हूँ, पानी यहाँ पे, ताकि मैं समय समय पर पानी पीती रहूँ, क्योंकि मैं लापरवाही कर रही हूँ पानी में थोड़ा बहुत एक दो दिन से, तो इसीलिए। और सारा खाना वगैरह भी मेरा हो गया, अभी तुरंत मैंने खाना खाया, खाना खा के मैं टहल लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि टहलना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि टहलेंगे नहीं तो फिर कैसे स्वस्थ रहेंगे। और खा के तुरंत बैठ जाना, मोटापा का न्योता देना है,
तो इसलिए मैं बैठती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत टहल लेती हूँ। और ये टी शर्ट रखी हुई थी बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा मैं पहन लूँ, देखूँ डेली हुई कि नहीं, क्योंकि मेरे सारे सूट जितने हैं आप लोग देख ही रहे हैं, ये सब पूरा पूरा सूट, जितने भी सूट हैं सब और मोटे होते चले जा रहे हैं, मतलब मोटे नहीं होते चले जा रहे हैं, मुझे फ़िट नहीं हो रहे हैं। सूट तो उतना ही है, साइज मेरा साइज बढ़ गया है, और जितने मैंने मीडियम साइज़ के सूट ले रखे थे सब मुझे फ़िट हो रहे हैं, आ गए हैं मेरे, मतलब मेरे आ जा रहे हैं मीडियम साइज़ के जितने भी सूज़ हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हैरान हो रही हूँ, क्योंकि तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इधर उधर से कपड़े ढूंढ रही हूँ निकालने के लिए, और जानबूझ के कपड़े ले भी नहीं रही हूँ। क्यों नहीं ले रही हूँ? क्योंकि नया लूँगी तो फिर भी उसका साइज़ अगर मैं बढ़ा लूँगी तो फिर उसको घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए जब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं सूट लूँगी तो अम्ब्रेला सूट लूँगी। मैंने मीडियम साइज़ का मंगाया था ग्रीन वाला अम्ब्रेला सूट, तो क्या हुआ था उसमें कि मुझे बहुत टाइट करना पड़ा, कम से कम दो दो तीन तीन चार इंच मीडियम साइज़ का तो वो लग ही नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था लार्ज साइज़ का है, और मीडियम का टैग लगा के उसमें दे दिया है मुझे, तो उससे तो बहुत परेशान हो गई थी। चार बार मम्मी को मैंने फ़िट करवाया था उसको, चार बार फिट करवाया तब मेरे जाके थोड़ा हुआ, वो एक एक इंच करके चार चार इंच इधर उधर दबाया, पाँच पाँच इंच इतना चौड़ा चौड़ा दबा के तब मेरे हुआ वो, फिर भी अभी थोड़ा सा ढीला। मैंने कहा जानबूझ के मैंने ढीला कपड़ा लिया था इसलिए ताकि मेरा वेट बढ़ेगा अभी तो, और मुझे टाइट मतलब टाइट लगेगा पहनने में, तो इसीलिए मैंने लिया था। और बस बाकी तो इसीलिए कपड़े नहीं ले रही हूँ, जो देख रही हूँ जो मेरे कपड़े रखे हुए हैं पुराने जो ढीले ढाले होते थे पहले, उसी को निकाल निकाल के पहन रही हूँ, अब लूँगी भी नहीं, जो है वही पहनूँगी, और लेना होगा तो फिर मार्च तक या फरवरी तक मैं लूँगी कपड़े उपड़े जो लेना है। अभी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो पहले समस्या को ख़त्म करते हैं फिर कपड़े का इंतज़ाम करते हैं नए कपड़ों का। कपड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन पहनने के लिए जो है मैं पूरा वही सब पहन रही हूँ घर में, निकाल निकाल के आज मैंने खोजा एक, इसको निकाला, इसको पहना, और टी शर्ट पहनती हूँ, जितने भी टी शर्ट पहनती थी सारी टी शर्ट मेरी टाइट हो गई है, एकदम टाइट हो गई है, और फिर उसको समझ नहीं आ रहा, फिर उसको मैंने तय करके रख दिया, मैंने सोचा कि मैं बाद में पहनूँगी, तो इसीलिए जो है अब उस टी शर्ट को बाद में पहनेंगे। पैंट्स भी मेरे हाफ पैंट्स जितने हैं वो भी टाइट हो गए हैं, तो भगवान समझ नहीं आ रहा, चलने में भी थोड़ा सा वो हो रहा है, मतलब आफत हो रही है, तो कोई बात नहीं, और सब बाकी सब अच्छा है। और ये देखिए मेरे गार्डन का फूल देखिए, और येलो कलर का इधर, और इधर ये सारे रेड कलर के इतने सारे खिले हुए हैं, तो यही सब हो रहा है। और बाकी वीडियो बनाते समय ट्रेन आती जाती रहती है, तो इसीलिए जो है मेरे हर मतलब ब्लॉग में आपको ट्रेन की आवाज़ बस की आवाज़ सुनने को मिल जाती होगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, क्योंकि ये लाइफ एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।